दोस्तों आज वापस से हम लोग आ चुके हैं अपनी बाइक आयरा के साथ जुबेली बाग में। दोस्तों इसमें एक दिक्कत हो गई थी करने में, मैं सिटी में से आ चुका हूँ जुबेली बाग से, यार इतना ट्रैफिक था वहाँ पे। दोस्तों बाइक में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मेरे को ये करवाना है कि उसमें थोड़े से ग्राफिक्स ऐड करवाने हैं, तो उसका जो वायर रहता है उसकी वजह से पूरी विंडशील्ड अलग बाहर नहीं निकल पाई। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों आज वापस से हम लोग आ चुके हैं अपनी बाइक आयरा के साथ जुबेली बाग में। दोस्तों आज बाइक में कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करवाना है मुझे, एंड प्लीज नॉइज को थोड़ा इग्नोर करना क्योंकि मैं अभी मतलब रोड साइड पे हूँ। दोस्तों बाइक में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मेरे को ये करवाना है कि उसमें थोड़े से ग्राफिक्स ऐड करवाने हैं, और मैं इतने टाइम से एकदम प्लेन बाइक चला रहा था, मैंने सोचा कि यार थोड़े से ग्राफिक ऐड करते हैं, थोड़ा सा बाइक का लुक चेंज करते हैं। हम ज्यादा इसमें कुछ नहीं करने वाले हैं, इसमें प्लीज यार इग्नोर करना, मेरे को भी नहीं पता वॉइस क्या है, लेकिन मुझे इसमें अपने यूट्यूब के हैंडल्स ऐड करवाने हैं बाइक के ऊपर, प्लस उसकी जो विंडशील्ड है उसको मैं थोड़ा सा ब्लैक रैप करवाना चाहता हूँ, और एक दो छोटी मोटी चीज मैंने सोची है इसके लिए वो मैं इसके ऊपर करवा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं अभी खड़ा हूँ साइंस रद्दा 8 पे जो जुबेली बाग में, तो मैंने जो अपनी पहली मॉडिफिकेशन भी करवाई थी वो भी जुबेली बाग से करवाई थी, वो सब वहाँ पीछे ही है। तो यार मैं इसके लिए जुबेली बाग ही ज्यादा प्रीफर करता हूँ, आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अपनी बाइक का काम स्टार्ट हो चुका है, तो मैं आपको धीरे धीरे दिखाता हूँ कि मैं क्या करवा रहा हूँ और उसके बाद इसकी लुक कैसे आने वाली है। तो बने रहिएगा वीडियो में, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि मैं क्या चीज किस पर्पज से कर रहा दोस्तों। अभी जैसे कि आपने देखा जो विंडशील्ड है वो पूरी मतलब ब्लैक रैप हो चुकी है, मैंने इसमें मैट ब्लैक करवाया। दोस्तों इसमें एक दिक्कत हो गई थी करने में कि जो हमारे साइड मिरर्स है, तो जो हमने एक्स्ट्रा लगवाए, जो हमने मतलब बाहर से लगवाए थे, आफ्टर मार्केट है, तो उसका जो वायर रहता है उसकी वजह से पूरी विंडशील्ड अलग बाहर नहीं निकल पाई, तो उसकी वजह से जो मतलब निकाल के एक फिनिशिंग होनी चाहिए वो नहीं मिल पाया, लेकिन भैया ने बढ़िया से एकदम उसको फिनिशिंग दे दिया कि मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि ऊपर से इसको रैप कर दिया है। तो मतलब मेरे को यार ये लगा था कि अच्छा फिनिशिंग आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अभी देखने पे लगता है कि यार मतलब अच्छा फिनिशिंग है। तो ये एक दिक्कत हो गई थी कि यार मैं तो भूल ही गया था कि आफ्टर मार्केट है, तो अंदर जो वायर्स है उसकी वजह से हमारी विंडशील्ड पूरी नहीं निकल पाएगी, अगर वो निकल गई होती तो थोड़ा और अच्छे से रैप हो सकता था, लेकिन चलिए कोई नहीं, अच्छे से ये हो गया, अभी आगे का काम भी करवाते हैं फटाफट। तो दोस्तों अभी एक यहाँ पे एंड दोनों साइड पे जो हमारे यूट्यूब का हैंडल है वो लग चुका है, अभी और दो से तीन छोटी छोटी मैं चीजें करवा रहा हूँ, वो तो करने के बाद ही दिखाऊंगा कि यार वो तो मेरे को करवा नहीं था, वो तो मैंने सोचा ही था ये सब करूँ कि ना करूँ, वो तो मेरे को करना ही था, वो अभी आपको दिखाता हूँ करने के बाद।
फाइनली अपनी बाइक का सारा काम हो गया, जितने ग्राफिक मेरे को करवाने थे उतने लग चुके, अभी फटाफट से पेमेंट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। अगर आपको भी किसी को आना है कोई बड़ोड़ा के आसपास से, तो यहाँ पे साई श्रद्धा आर्ट्स करके ये शॉप है, यहाँ आपको लगभग सारी बाइक्स का सारा काम हो जाएगा, आपको जो भी करवाना है सब आपको कस्टमाइज अपने हिसाब से करवा सकते हैं। तो कोई हो और उसको अगर काम करवाना हो तो आ सकते हैं यहाँ पे। एंड अभी यहाँ से पहले चलते हैं किसी अच्छी शांत जगह पे रुक के, मैं इसको आपको इसके सारे सिनेमेटिक शॉट दिखाता हूँ एंड क्या चीज मैंने किस पर्पज से करवाई वो भी दिखाता हूँ। में से आ चुका हूँ चुबेली बाग से, यार इतना ट्रैफिक था वहाँ पे, मैंने बाद में यार जो मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड करी थी वो देखी, इतना ज्यादा नॉइज आ रहा था, लेकिन चलिए कोई नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, उतना वॉइस तो अच्छे से रिकॉर्ड हुआ है। सो फाइनली दोस्तों ये है हमारी बाइक आयरा, दोस्तों यार इतनी खूबसूरत लग रही है और आगे से तो इतनी बढ़िया लग रही है, इसका लुक पूरा ही चेंज हो चुका है। दोस्तों सबसे पहले तो मैंने जो आगे करवाया वो इसको ब्लैक रैप करवाया, उसके ऊपर अपनी चैनल का नेम एंड साथ में हिंदू का लोगो। यार दोस्तों मैं इसको इसलिए लगवाना चाहता था कि बस मेरी अंदर से इच्छा थी कि मैं अपनी बाइक पे कोई ऐसी चीज जैसे कि जय श्री राम है या हिंदू है या जो वो हनुमान जी का जो लोगो आता है आधे फेस वाला वो कुछ लगाऊ, पर मैं इसको थोड़ा मिनिमल रखना चाहता था, बहुत ही ज्यादा ना लगे और अच्छा भी लगे वैसा मुझे रखना था, इसके लिए मैंने सिर्फ ये हिंदू का लोगो चूज किया, लेकिन बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। और फाइनली यहाँ पे मैंने ये वाला एक स्टिकर लगवाया। दोस्तों ये स्टिकर लगवाने का मेरा कोई इरादा ही नहीं था, मैंने सोचा भी नहीं था, बस आज सुबह जब मैं देख रहा था कि मैं क्या क्या करवा सकता हूँ, तब मेरे को अचानक से ये वाला स्टिकर दिखा और मेरे को लगा कि ये जो लोकेशन है यार ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ये जो ब्लैक स्टिकर है वो पूरा लगा हुआ आता है कंपनी की तरफ से, तो और बाकी प्लेन रहता है, सिर्फ ये R15M जो बैचिंग है वो रहता है, तो मैंने सोचा कि यार इसका भी अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं, तो फिर मैंने यहाँ पे भी लगवा लिया। एंड फाइनली मेन चीज जो हमारा दोनों साइड लिमिटलेस व्लॉगर हमारी चैनल की आईडी, और दोस्तों ये मैंने इसके लिए लगवाया क्योंकि जब हम कहीं पे भी बाइक पार्क करके कहीं पे जाते हैं, कहीं पे बाइक पार्क करते हैं और दूर से हम देख रहे होते हैं तो कई सारे लोग हमारी बाइक को देखते हैं, क्योंकि हमने इसमें बहुत ही कम लेकिन अच्छे मॉडिफिकेशन करवाए और बाइक भी तो यार अट्रैक्टिव है ना, तो उसकी वजह से लोग देखते हैं। तो यार मैंने सोचा कि अपनी चैनल का आईडी होना चाहिए, तो अगर कोई बाइक को हमारी देखता है तो उसको भी यार पता चले कि हमारी यूट्यूब चैनल है, तो अगर उसको इच्छा हो जाए तो सब्सक्राइब भी कर सकता है, तो वन टाइप ऑफ हमारी ये ब्रांडिंग हो जाती है, हमारा एडवर्टाइज हो जाता है। तो बस इसके लिए मैंने मेरे तीनों जगह पे मेरी चैनल का आईडी लगवाया, प्लस जो मैंने ये ब्लैक रैप करवाया इसका एक और रीजन है, एक तो अच्छा तो दिखता ही है और मुझे हिंदू का लोगो लगवाना था तो उसके लिए ब्लैक अच्छा लगता है, क्योंकि अगर ब्लैक रैप नहीं होता तो उसके ऊपर वो अच्छे से नहीं दिखता। और एक और रीजन है कि जब हम राइड करते हैं और दोपहर के टाइम में, जैसे कि अभी गर्मियां स्टार्ट हो गई है, तो दोपहर के टाइम में जब सूरज सामने से पड़ता है या ऊपर से पड़ता है तो जो हमारी स्क्रीन होती है वो हमें कभी कभी अच्छे से नहीं दिख पाती है, और बहुत ही मतलब उसमें ग्रेन्स लगते हैं और बहुत ही रिफ्लेक्शन आता है, और जब हमारी विंडशील्ड ट्रांसपेरेंट होती है तो उसकी वजह से जब हम हेलमेट पहन के स्पीड में चलाते हैं तो हमारे लिए एक फ्रिक्शन ऑफ टाइम का सेकंड होता है स्क्रीन को देखने के लिए, तो वो अच्छे से नहीं दिखता है। तो इसको लगाने के बाद जो सामने से धूप पड़ेगी या तो जो लाइट आएगी वो कम हो जाएगी और जो हमारी स्क्रीन की लाइट इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगी, तो उसकी वजह से जो व्यू है वो भी मतलब स्क्रीन भी हमें तुरंत से और जो भी हमें स्पीड देखना है या कुछ और भी जो हमें देखना है वो तुरंत से हम देख सकते हैं। तो ये एक और रीजन था मेरी स्क्रीन को ब्लैक करवाने के पीछे, कई सारे लोग इस रीजन से तो नहीं ही करवाते हैं, सब लुक के लिए करवाते हैं,
एंड यार सही में लुक तो मतलब मैंने जो सोचा था उससे भी बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। तो यार आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपको कैसी लग रही है अपनी आयरा बाइक R15M ये मॉडिफिकेशन के बाद। ये छोटा सा मॉडिफिकेशन था, मुझे बहुत टाइम से करवाना था, लेकिन फिर आज मैंने सोचा कि यार कुछ भी करके आज तो जाना ही है, तो फिर आज मैंने ये करवा लिया। तो चलिए आप इसके थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स तो जो आपने देख ही लिए होंगे इससे पहले ही, तो वो भी बताना कि आपको वो सारे सिनेमैटिक शॉट्स कैसे लगे। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, एंड इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। कल हम अपनी बाइक को लेके एक बढ़िया सी राइड पे जाने वाले हैं मॉर्निंग राइड के लिए, जो हमारे विनय भाई है उनके साथ, तो आपको कल भी ये बाइक अच्छे से दिखने वाली है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नए और मजेदार वीडियो में। टिल देन जय हिंद जय भारत।